रामगढ़ ताल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हैंगिंग रेस्टोरेंट तथा रोप वे बनेगा, जिसके संबंध में जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि रामगढ़ ताल गोरखपुर के दिल में बसा हुआ है तथा रामगढ़ ताल पर्यटन केंद्र के रूप में उभर कर आ चुका है, जहाँ पर प्रतिदिन लोग हजारों की संख्या में घूमने जाते हैं, जिसमें ज्यादातर युवा वर्ग के लोग शामिल हैं, जिसको देखते हुए रामगढ़ ताल में बोटिंग का समय रात में 11 बजे तक कर दिया गया है, जिससे यूथ वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सके। और हमारा प्रयास है कि डिनर क्रूज शिप की व्यवस्था की जाए कि रात में डिनर कोई व्यक्ति करना चाहे तो क्रूज शिप पर जाकर करेगा। इसके साथ ही हमारा प्रयास है कि लोग रोपवे के माध्यम से दोनों साइड से रामगढ़ ताल का भ्रमण कर पाएं और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को भी चालू करने का जीडीए के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इधर उधर पानी में घूमता रहेगा, अगले 1 सालों में इस कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जैसा कि हम लोगों को पता है कि रामगढ़ ताल हमारे गोरखपुर जनपद के दिल में बसा हुआ है और ये बहुत ही अच्छा पर्यटन केंद्र के रूप में उभर के ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं, खासकर यूथ बहुत आता है। तो इस सब को देखते हुए कई चीज़ें रामगढ़ ताल में की जा रही हैं, जैसे रिसेंटली हम लोगों ने जो बोटिंग का टाइम है रात में 11 बजे कर दिया है, ताकि यूथ जो होता है जनरली थोड़ा सा लेट नाइट निकलता है, वो बोटिंग का आनंद ले सके। इसी तरह से जो है हम लोग का ये प्रयास है कि यहाँ पे डिनर क्रूज़ की भी व्यवस्था रहे, ताकि रात में क्रूज़ पे अगर कोई रेस्टोरेंट का यूज़ करना चाहे तो उसका कर लेगा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे दोनों साइड में रोपवे के माध्यम से लोग रामगढ़ ताल का भ्रमण कर पाएँ, तो उसके लिए भी प्रयास चल रहा है। और इसके अलावा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी प्रयास चल रहा है कि परमानेंटली ही उस पर रेस्टोरेंट बन जाए जो फ्लोट करता रहे। तो ऐसी कई चीज़ें आ रही हैं और हम प्रयास है कि अगले 1 साल में सारी चीज़ें आ जाएँ और लोगों को इससे फ़ायदा मिले।